नमस्कार, मैं हर्षित तिवारी। अब है न्यूज के 20 जून रविवार दोपहर के बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। आइए देखते हैं अभी तक की ताजा खबरें। इस बुलेटिन के प्रायोजक हैं आर के निवास बाय आर के डेवलपर्स। शानदार घर खरीदें अब अपने बजट में। कोविड की दूसरी लहर के धीमा पड़ने के साथ ही लापरवाही भी शुरू हो गई है। रविवार को लॉकडाउन होने के बावजूद रामघाट पर गंगा दशहरा का भव्य आयोजन किया गया। इसमें बड़ी संख्या में लोग जुटे थे। हद तो ये रही कि कैबिनेट मंत्री मोहन यादव और विधायक पारस जैन की उपस्थिति में ही सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ाई गई हैं। कई लोग बगैर मास्क के नजर आए हैं। रविवार को लॉकडाउन के बावजूद रामघाट पर गंगा दशहरा पर्व मनाने के लिए बड़ी संख्या में लोग जुटे थे। पर्व के तहत पूजन हवन के साथ मां शिप्रा को 301 फीट लंबी चुनरी उड़ाई गई है। इस दौरान हवन पूजन में 2 गज की दूरी कहीं नजर नहीं आई। लोग एक दूसरे से सट कर बैठे दिखे और इनमें से कईयों ने तो मास्क तक नहीं लगाया था। यही हालत चुनरी चढ़ाते समय भी बनी। लोग चुनरी चढ़ाते समय एक दूसरे पर टूट पड़े। आयोजन में बढ़ती जा रही इस तरह की लापरवाही कोरोना की तीसरी लहर को दावत देने के लिए काफी है। सबसे बड़ी बात, किसी को भी कोविड प्रोटोकॉल को तोड़ने का कोई मलाल नहीं था। आज संयोग है हमारे अपने वरिष्ठ नेता माननीय पारस जैन साहब, जो पूर्व मंत्री और विधायक हैं, उनका भी आज उनका जन्मदिवस है। मैंने उनको भी शुभकामना दी है। गंगा जी का पूजन करके सबके साथ आनंद मनाया। मेरी अपनी ओर से पुनः सबके प्रति मंगल कामना बढ़े। हाट पिपलिया चापड़ा मार्ग पर तेज रफ्तार कार खड़े ट्रैक्टर से टकराई। इस दौरान एक बाइक सवार भी चपेट में आ गया। हादसे में आधा दर्जन लोग घायल हो गए हैं। घायलों को उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती किया गया है, जहां गंभीर हालत के चलते 2 लोगों को इंदौर रेफर करना पड़ा। पूरा घटनाक्रम सीसीटीवी कैमरे में कैद भी हो गया है, जिसमें दिख रहा है कि अंधगति से आ रही कार ने खड़े ट्रैक्टर को टक्कर मारी। दरअसल हाट पिपलिया चापड़ा मार्ग पर पेट्रोल पंप के पास तेज रफ्तार कार को आते देख ट्रैक्टर लेकर जा रहे भरत सैंधव और सोनू सैंधव ने ट्रैक्टर को रोक दिया। तेज गति से आ रही कार अनियंत्रित होकर ट्रैक्टर को टक्कर मारकर सड़क से नीचे खंती में उतर गई। इसी दौरान एक बाइक सवार भी चपेट में आ गया। दुर्घटना में बाइक सवार हिम्मत सिंह राजपूत और गेंदा कुंवर बाई घायल हो गए। कार में सवार भूपेंद्र यादव और कृति यादव के साथ ट्रैक्टर पर सवार लखन सैंधव और सोनू सैंधव भी घायल हो गए हैं। घायलों को एम्बुलेंस से अस्पताल भिजवाया गया है, जहां गंभीर हालत के चलते भूपेंद्र यादव और भरत सैंधव को इंदौर रेफर किया है। स्वास्थ्य विभाग की लापरवाही के चलते घटिया तहसील के मालीखेड़ी के उप स्वास्थ्य केंद्र अपनी दुर्दशा पर आंसू बहा रहे हैं, लेकिन विभाग के अधिकारियों का इस ओर ध्यान तक नहीं है। उप स्वास्थ्य केंद्र की जर्जर हालत से सबसे ज्यादा परेशानी में वृद्ध और गर्भवती महिलाएं हो रही हैं। इसकी वजह है स्वास्थ्य केंद्र तक जाने वाला रास्ता। रास्ते पर बड़ा नाला है और इसमें जहरीले जंतु निकलते रहते हैं। इस कारण केंद्र भवन पर ताला पड़ा हुआ है। कोविड वैक्सीन और सैंपलिंग का काम आंगनवाड़ी में करना पड़ रहा है। सीएचओ अमिताभ दाबी बताते हैं कि सबसे ज्यादा समस्या बारिश में आती है, जहरीले जंतु केंद्र में आ जाते हैं। स्वास्थ्य केंद्र पे आप दुर्दशा देख ही रहे हैं। यहाँ पे आने जाने को लेके जैसे शराब वगैरह का काफी टाइम से बंद है, वैक्सीनेशन का कार्य चल रहा है, इस वजह से यहाँ पे आने जाने में दिक्कत होती है बुजुर्गों को, लेडीज वगैरह को। इस वजह से यहाँ पे वैक्सीनेशन का कार्य 45+ का सभी का हमने किया है और 80% लोगों को लग चुका है। इन सभी का कार्य हम अपने आंगनबाड़ी भवन में किया है, तो स्वास्थ्य केंद्र पे इस वजह से यहाँ पे 3-4 महीने से कोई एक्टिविटी नहीं हो रही है। सर, ये नाले में होने के कारण क्या दिक्कत आती है, क्या परेशानी आती है? नाले में होने में ये बारिश का पानी भर जाता है, तो पूरा मतलब ये अलमारी चेयर वगैरह मतलब आने में बड़ी मुश्किल होती है। तो बारिश के टाइम पर तो अपने को खोल नहीं सकते कुछ महीने तक। जब धीरे धीरे पानी लेवल कम होता है तब अपने को खोल सकते हैं। जंगली जानवरों का भी यहाँ अंदेशा रहता है? हाँ, सांप वगैरह डर रहते हैं बारिश के पास में, तो थोड़ा रहता है यहाँ पे पानी का, बारिश के टाइम तो बंद ही रहता है। और इस वजह से यहाँ पे नया वैसे बनने का है, सेंक्शन करने की बात चल रही है, नया बनेगा स्वास्थ्य केंद्र। यहाँ पे यहीं पे जमीन लेंगे अब मालिक खड़े अस्पताल, ताकि लोग आराम से पहुंच सके। हाँ, आंगनवाड़ी केंद्र के अंदर वैक्सीनेशन होता है, पूरा रेगुलर बच्चों का इम्यूनेशन भी वहीं पे होता है, रेगुलर चल रहा है अपना। इसके अलावा जो कोविड वैक्सीनेशन है 45+, उनका सारा वैक्सीन का कार्य अपने आंगनवाड़ी भवन में हुआ है। तराना में रविवार को लॉकडाउन का पूरा असर दिखाई दिया है। बस स्टैंड, महितपुर नाका, पेट्रोल पंप, चौपाटी आदि जगह स्वेच्छा से पूर्ण रूप से बंद रहे। थोड़े बहुत लोग टफरी करते दिखे, जिन्हें प्रशासन की पेट्रोलिंग पार्टी ने समझाइश दी। बस स्टैंड कर्मचारियों ने अभय न्यूज को दुखड़ा सुनाया है। कर्मचारियों का कहना है कि लोगों में कोरोना के कारण भय का माहौल है। सवारियों के न आने से डीजल के पैसे नहीं निकल पा रहे हैं, उल्टे सरकार का टैक्स और तनख्वाह तक कुछ भी नहीं निकल पा रही है। लॉकडाउन लगा उसके बाद भी लोग सड़कों पर नहीं आ रहे हैं,
जी। और पैसेंजर लोग रास्ते में मिल नहीं रहे हैं, यहाँ से दो चार सवारी लेके निकलते हैं, वही सवारी लेके उज्जैन तक पहुँच जाते हैं। अच्छा, डीजल पेट्रोल के दाम इतने बढ़ा दिए सरकार ने कि मोटर मालिकों ने नटू परेशान हो गए हैं। अच्छा अच्छा, इस वजह से बस वाले बैठे हैं यहाँ पे फुर्सत में, भी सवारी नहीं मिल रही, रास्ता मिल ही नहीं रहा कहाँ से कहाँ तक, और स्टैंड से भी सवारी नहीं हो रही। निराकरण निकाला जाए, एक ही डिमांड करें कि डीजल पेट्रोल के दाम घटाए जाए ताकि पैसेंजरों ने मोटरसाइकिल छोड़ के बस में आना चाहिए। कोविड के कारण सप्ताह में तीन दिन चल रही अवंतिका, वीरभूमि और मालवा एक्सप्रेस अब रोजाना चलेंगी। गौरतलब है कि कोविड संक्रमण के कारण इंदौर से मुंबई के बीच चलने वाली अवंतिका एक्सप्रेस, अंबेडकर नगर से वैष्णो देवी जाने वाली मालवा एक्सप्रेस और इंदौर से उदयपुर जाने वाली वीरभूमि एक्सप्रेस अभी सप्ताह में तीन ही दिन चल रही थी। अब ये ट्रेनें एक बार फिर नियमित होने जा रही है। अवंतिका एक्सप्रेस 26 जून, मालवा एक्सप्रेस 1 जुलाई और वीरभूमि एक्सप्रेस 28 जून से अगले आदेश तक नियमित चलेगी। इस तरह से 1 जून से लॉकडाउन खुला है और जिस तरह से रुझान लोगों का अपनी यात्रा की ओर गया है, तो अभी भारतीय रेलवे पे रेल प्रशासन ने ये निर्णय लिया है कि पश्चिम रेलवे के इंदौर स्टेशन से जो गाड़ियाँ पहले जो प्रतिदिन चलती थी, इंदौर से जो मुंबई जाती थी अवंतिका एक्सप्रेस विशेष ट्रेन के रूप में चल रही है, वो सप्ताह में तीन दिन के स्थान पर अब 27 जून से अगले आदेश तक प्रतिदिन चलेगी। इसके साथ में इंदौर से उदयपुर के बीच में चलने वाली जो गाड़ी है, जो प्रतिदिन चलती थी पहले लेकिन सप्ताह में तीन दिन चल रही थी, उसको अब रेल प्रशासन ने प्रतिदिन कर दिया है 28 तारीख से। 28 जून से ये गाड़ी प्रतिदिन अगले आदेश तक चलेगी। साथ में डॉक्टर अम्बेडकर नगर से इंदौर होते हुए जो माँ वैष्णो देवी के लिए जो मालवा एक्सप्रेस जाती है, उसको भी सप्ताह में तीन दिन कर दिया गया था। अब ये गाड़ी 1 जुलाई से सप्ताह में प्रतिदिन चलेगी। सप्ताह में प्रत्येक दिन माँ वैष्णो देवी के दरबार की ओर रवाना होगी और वापसी में वो वहाँ से रवाना होगी। इस तरह से ये जो तीन गाड़ियों का संचालन है, जिसमें हम लोगों ने सप्ताह में तीन दिन किया था प्रतिदिन से, उनको रेल प्रशासन ने यात्रियों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए प्रतिदिन कर दिया है अगले आदेश तक। और ये जो संचालन किया जा रहा है विशेष ट्रेन के रूप में किया जा रहा है और इसमें प्रोटोकॉल के जो कोविड का प्रोटोकॉल है पूरी तरह से अपनाया जा रहा है। गाड़ियों को हम लोग बिल्कुल सैनिटाइज करके भेजते हैं और यात्रियों को बिल्कुल हिदायत देते हैं कि वो मास्क कैरी करें और सैनिटाइजर रखें और सोशल डिस्टेंसिंग का भी पालन करें। इन सभी गाड़ियों में अभी आरक्षण के द्वारा ही यात्रा मुनासिब है, जनरल टिकट अलाउ नहीं है और ना ही प्लेटफॉर्म टिकट अलाउ है। भाजपा जिला अध्यक्ष बहादुर सिंह बोरमुंडला ने अपनी बहुप्रशिक्षित कार्यकारिणी घोषित कर दी है। नई कार्यकारिणी में 3 महामंत्री, 7 उपाध्यक्ष और 8 मंत्री बनाए गए हैं। माकड़ों के नाहर सिंह पवार, नागदा के धर्मेश जायसवाल और बड़नगर के गणपत डाबी महामंत्री की जिम्मेदारी संभालेंगे। कोषाध्यक्ष अनिल शर्मा और मीडिया प्रभारी पंकज चौहान होंगे। कार्यकारिणी में यूं तो सभी विकास खंडों में और तहसील से पदाधिकारी लेने की कोशिश की गई है, लेकिन महिदपुर की पूरी तरह उपेक्षा की गई है। तो आपने देखा हमारा बुलेटिन। आपको हमारा बुलेटिन कैसा लगा इसका फीडबैक कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। इसके साथ ही आज फादर्स डे है, आप सभी को फादर्स डे की हार्दिक शुभकामनाएं। आपने फादर्स डे कैसे सेलिब्रेट करा वो भी हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। कल फिर मिलेंगे नए बुलेटिन के साथ। नमस्कार।